Ain't nobody really fucking with me like they always saying. All these people hit me up, but I know that they be fake. Gonna grab the lawnmower, finally cut off all you. Hey, what's up, guys? This is Rahul Sharma, and you are watching Gaming with Osman YouTube channel. So, guys. मैंने अभी एक रिसेंटली एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला था कि सब लोगों को बताया था कि मतलब मैं फिंगर्स कम कर ली हूँ, अब थंब पे खेल रहा हूँ. तो थंब बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्यों किया, मुझे क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी. जो मैं क्लॉक खेलता था फाइव फिंगर, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, मतलब सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा. सो वीडियो को एंड तक देखना. एंड गाइज, मैं नोटिस कर रहा हूँ कब से लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, लोग जस्ट पहला एक मिनट की वीडियो देखते हैं एंड उसके बाद वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं एंड कमेंट करके चले जाते हैं मेरी वीडियोज़ पे. तो ऑडियंस रिटेंशन मेरा 20% भी नहीं होता गाइज. सो इसके चक्कर में मेरा चैनल मतलब बहुत मतलब बेकार हालत में इस टाइम, क्योंकि YouTube सोचता है कि जो कंटेंट है वो अच्छा नहीं है, बल्कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ मेरे भाई. सो यार, अगर आप इस वीडियो पे आ गए हो तो पूरी वीडियो देखना एंड प्लीज़ फिर मुझे बताना कि भाई मैंने अच्छा किया कि गलत किया. और वैसे भी मैं बताता हूँ, सबसे पहले मेन प्रॉब्लम मैं फाइव फिंगर सेटअप की बताता हूँ गाइज आपको. मेरा जो मेरा फाइव फिंगर सेटअप था उसमें मेरा एक मतलब जहाँ पे मैप है वहाँ पे स्कोप, इसके आगे छोटा सा स्कोप था, यहाँ पे टीपीवी एपीवी वाला बटन है, इसको मैंने होल्ड करना पड़ता था, फायर बटन होल्ड करना पड़ेगा. इधर मेरा जहाँ पे ये क्राउच प्रॉन का बटन है, यहाँ बटन था गाइज. मेरी पूरी स्क्रीन कवर्ड रह रही थी, ओनली जो एरिया था जिसमें मैं स्पॉट कर पा रहा था एनिमी को वो है थोड़ा सा सेंट्रिक एरिया. तो अगर मेरे साइड से कोई मतलब एनिमी आए सो मुझे नहीं दिख रहा था वो, एंड वो इजी मुझे टेकडाउन कर ले रहा था. सो मेन रीज़न तो ये है. एंड उसके बाद सेकंड रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि रिकॉइल कंट्रोल में प्रॉब्लम, एमिंग में प्रॉब्लम, कि जब भी मैं एम लेता हूँ तो अगर फाइव फिंगर है तो फाइव फिंगर मतलब इतना थोड़ा सा मतलब अजीब सा लग रहा था कि पूरा फ़ोन मतलब इजी मैं एम ट्रैक नहीं कर पा रहा था. एम ट्रैक का मतलब जैसे मैंने स्कोप खोला हुआ यहाँ पे, जैसे मैंने ये स्कोप खोला हुआ तो मुझे इधर इधर लेके जा रहा, तो मतलब मैं एम ट्रैक इतना अच्छा नहीं कर पा रहा था. अगर मैं टू फिंगर से कर रहा हूँ एंड थर्ड फिंगर मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ ये वाले बटन पे जब मुझे क्लोजर इन लेना होता है, तो अभी मतलब मुझे आदत नहीं है. सो मैं अभी ये वाला बटन यूज़ करता हूँ एज अ थर्ड फिंगर कभी कभी, एंड इस पर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इससे करूँ ओनली. बट एक्चुअली दिक्कत ये क्या है गाइज कि मैं होल्ड प्ले रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं होल्ड पे खेलूँ. सो दैट्स द रीज़न इज़ कि मुझे थर्ड फिंगर यूज़ करना पड़ेगा कभी कभी, या फिर अगर मैं टैप पे अगर मैं मिक्स पे आ जाऊँ तो मैं इसी से काम चला सकता हूँ. ये देखो, देख सकते हो आप, इसी से काम चला सकता हूँ, मुझे वो वाले बटन की ज़रूरत नहीं है. सो ये कुछ रीजंस हैं मतलब जिनकी वजह से मुझे चेंज करना पड़ा. एंड मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ रिकॉइल कंट्रोल की, तो रिकॉइल कंट्रोल भी फोर और फाइव फिंगर से बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके हैंड्स बिल्कुल फ्री नहीं होते हैं कि आप अपने फ़ोन को जायरो से कंट्रोल करो. एंड द मेन रीज़न इज़ गाइस, जितनी ज़्यादा आप फिंगर अपनी इंक्रीज करोगे उतना ही गलत आपका मूवमेंट होगा. अभी टू फिंगर से अगर मैं टू थम्स ओनली यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा मूवमेंट जो जैसा मूवमेंट करना है वैसा करूंगा. अगर यहां पे मैं लेफ्ट साइड में दो फिंगर ऐड कर लेता हूं, दो फिंगर के बाद जो थोड़ा सा स्पेस बचता है उसमें मुझे मूवमेंट करनी पड़ेगी. तो आप चेक करो, प्रैक्टिकली चेक करना, उसमें आपकी मूवमेंट इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी जितनी आपकी नॉर्मल आप ये टू फिंगर से करते हो वो मूवमेंट हो पाएगी. सो ये कुछ बेसिक सी बातें थी गाइज. एंड ऊपर से एक और चीज़ बताऊँ तो इधर रहता है गाइज, एंड्रॉयड में टच इशू. कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पाँच फिंगर यूज़ करूँगा तो उनमें से चार एक्सेप्ट करेगा फ़ोन और एक को बाहर फेंक देगा. ये मतलब फायर वाले बटन को बाहर फेंक देगा कि बटन नहीं, यहाँ पे टच काउंट नहीं हुआ तो मेरा फायर नहीं चलेगा, सामने वाले एनिमी मुझे टेकडाउन कर देगा. सो गाइज ये कुछ दिक्कत आ रही थी मुझे. सो इसीलिए मैंने सोचा कि गाइज मैं मतलब चेंज करके देख लेता हूँ. बट मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैं जस्ट फाइव फिंगर से होल्ड वाला प्लेयर थ्री फिंगर और टू फिंगर पे आ सकता है, कभी मैंने सोचा नहीं था. बट जैसे गाइज मैंने कंट्रोल बनाए, धीरे धीरे मॉडिफाई करते रह रहा हूँ, जैसे मैंने कंट्रोल बनाए तो मैं टीडीएम मैच खेलने लगा ट्रेनिंग करने के बाद, तो मेरा एम ऑटोमेटिकली बंदे के हेड पे और बिल्कुल स्टिक एक जगह रिकॉइल कंट्रोल हो रहा था. और मैंने सोचा गाइज ये वाले कंट्रोल बहुत अच्छे हैं तो इनसे खेल के देखता हूँ, और अगर क्लासिकों में अच्छे लगे. थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि कभी कभी मेरा मतलब मसल मेमोरी अभी डेवलप नहीं हुई इनके लिए, तो मैं प्रॉन नहीं कर पा रहा हूँ कभी कुछ, और तो प्रॉन वाला बटन मैंने यहाँ कर दिया कि यहाँ प्रॉन करते, अगर मैं ये वाले बटन से फायर करूंगा तो यहाँ पे प्रॉन कर सकते मैं मतलब प्रॉन एंड ड्रॉप शॉट ही ले सकता हूँ. सो ड्रॉप शॉट एंड क्राउच तो मैं करूंगा ही नहीं क्लोज रेंज के टाइम, क्योंकि क्राउच करने से क्या होता है, क्राउच करूंगा यहाँ पे एम जाता है, इधर एम जाता है, इधर एम, पूरा एम खराब हो जाता, दूसरे बंदे का एम अच्छा था वो आपको ईजी टेकडाउन कर लेगा. सो गाइज ड्रॉप शॉट एंड नॉर्मल शॉट्स के लिए मुझे बहुत अच्छा मूवमेंट मिलता है. सो मूवमेंट का देखिए
बस यही मूवमेंट आपको देनी होती है, ज़्यादा आपको इधर उधर नाचना नहीं होता ऐसे। दूसरे बंदे की बुलेट डॉज करवानी है वो आप इजी करवा सकते हो, इतना ही मूवमेंट देना होता है आपको बस। सो गाइज ये कुछ रीजंस थे कि मैंने मतलब अपना क्लॉ सेटअप चेंज कर लिया और 5 फिंगर से मैं 2 या 3 फिंगर पे आ गया, सेमी टू मत समझ लो, क्योंकि मैं ये वाला बटन भी यूज़ करता हूँ और कभी कभी क्लोज रेन के लिए ये वाला बटन यूज। मुझे पता दिक्कत क्या आती है गाइस, सबसे पहले आपको दिक्कत दिखाता हूँ मैं कि दिक्कत क्या आती है मुझे। मुझे जैसे ही इस बटन से यहाँ मारना होता है ना, एनिमी वॉल के पीछे है, तो यहाँ से मुझे ऐसे जाना पड़ता है तो मारना पड़ता है, मतलब जाना मतलब मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। और अगर ये वाला बटन यूज़ करो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे मारता हूँ उसको, कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे फायर रोक के यहाँ पे फिर से स्टार्ट कर सकता हूँ। इससे थोड़ा सा टफ रहता है, थोड़ा सा टफ रहेगा, बट इससे इससे एम असिस्ट आपको बहुत ही ज़्यादा मिलता है, ऑटोमेटिक हेडशॉट लगते हैं, ऑटोमेटिक। आपका थोड़ा सा एम अच्छा होना चाहिए, एंड ये वाला बटन जो राइट हैंड साइड वाला फायर बटन होता है उससे ऑटोमेटिक गाइस बहुत अच्छी गोली रजिस्टर्ड होती है, एंड इसकी सेंसी भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। सो बहुत सही रहता है ये, चलते बंदे को आप इजी मार सकते हो हिप फायर में। सो हिप फायर करना होगा तो इसी बटन से करना, मैं दोनों से कर लेता हूँ, बट बेसिकली अब मैं एडीएस फायर जो भी फायर करना होगा इसी बटन से करने की ट्राई करूंगा कि प्रॉपर एक टू थंब, एंड इसको एक्सटर्नली रखूंगा क्योंकि बटन रखना पड़ेगा, जब ये काम नहीं आएगा तो इससे काम चलाऊंगा। सो गाइज ये मेरा सेटअप है और बहुत अच्छा सेटअप लगा मुझे, क्योंकि मैं बहुत अच्छा फ्री फील कर रहा हूँ, मुझे पूरी स्क्रीन दिख रही है, एंड मेरा रिकॉइल कंट्रोल भी बहुत अच्छा हो गया गाइज, बिना अटैचमेंट के रिकॉइल कंट्रोल भी बहुत ही तगड़ा हो गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब एक स्पेसिफिक जगह पे रिकॉइल कंट्रोल हो रहा है जहाँ पे मैं करना चाहता हूँ, एंड उससे दूसरे वाले सेटअप से थोड़ा मुश्किल था। बट उसमें क्या है, अभी कहीं अगर आप फिंगर्स इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, आप बहुत सारे टास्क एक टाइम में कर सकते हो, क्राउच पकड़, पीक पकड़ ले, और साथ में स्कोप कर लिया, ये सब कर सकते हो गाइज, बट दे रियली डोंट मैटर्स, वो एक फैंसी गेम प्ले होता है। आपका अगर गेम प्ले आपको बंदे टिक डाउन करने हैं गाइस, तो आपका गेम प्ले एक मतलब प्रिसाइज एम वाला होना चाहिए कि आपका एम एकदम बंदे के हेड पे गए एंड दैट्स इट, द गेम ओवर। आपको खुले में पीक करने की कोई जरूरत नहीं है, खुले में पीक करके मारने क्यों है मुझे आप इस चीज के बताओ, खुले में पीक करके क्यों मारना है, कोई जरूरत नहीं खुले में पीक करके, खुले में बैठ जाओ फायर करो, बैठ जाओ फायर करो बस, क्राउच करके मारो, पीक करके मारने की जरूरत नहीं होती है। पीक करके मारने की जरूरत कहाँ से होती है, जहाँ से आपको जस्ट अपना पूरी बॉडी एक्सपोज नहीं करना है, थोड़ा सा पीक लेके मारना है आदमी, ये यहाँ पे इधर ये रहता है, ऐसे पीक करने मारने की जरूरत होती है, ज़्यादा नहीं कि खुले में आप पीक कर रहे हो। कुछ लोगों ने मतलब अपना सिस्टम बना लिया होता है, मेरा भी था कि बस खुले में भी है तो मैं पीक करके मारूंगा, क्यों मारना है इस पीक करके, क्या जरूरत है, पीक कर तब मारो जब आपके पास बहुत सारे एनिमीज हो, आप हिल डुल के मारो कि खुले से आ रहे हैं, एक को आपने डाउन किया, दूसरे को डाउन किया, तीसरे को पीक लेकर डाउन किया, चौथे को पीक लेकर डाउन किया, ये होता है मूवमेंट दिखा लेते कि उनकी बुलेट्स आपको डॉज करवानी है, कि पहला आदमी मारा आपने तो दूसरा बंदा आपके हेड पे फायर करने वाला है, तो आपने हेड ही हटा लिया वहाँ से और दूसरे को भी टेक डाउन कर लिया, वो होता है गाइज। एंड ज़्यादा फैंसी गेम प्ले मत दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मज़ा नहीं आता उसमें, मैं बहुत अच्छा दिखाता था, इसमें मुझे पीक में करने में दिक्कत आ रही, तो अभी मैंने क्या करा, थोड़े दिन के लिए मैं ऐसे खेलूंगा कि पीक के साथ ओपन स्कोप हो जाए, तो थोड़ा सा लेट लगता है मुझे, बट इट्स ओके ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट बाकी मेरा गेम अच्छा हो गया, मोंटाजेस एंड गेम प्लेज आपके लिए आते रहेंगे। एंड गाइज जिसने भी पूरी वीडियो देखी है मेरी अभी तक, वो सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट में बताना, एंड जो भी फर्स्ट 2 कमेंट्स होंगे जो बोलेंगे कि भाई सब्सक्राइब कर दिया एंड पूरी वीडियो देखा, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में मतलब उनको शाउट आउट दूंगा। ओ गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस आउट, बाय बाय, टेक केयर, एंड मुझे बताना ही गाइज कंट्रोल कैसे हैं, कि मैंने अच्छा करा कि नहीं करा, बट मेरे लिए मैंने अच्छा करा क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ इससे, बहुत कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ ये वाले कंट्रोल में। ओ गाइज नेक्स्ट वन, पीस आउट, बाय बाय, टेक केयर।